दिन तुम्हारा ख्याल है। ओ क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ। मैं भी आया। वादा करता हूं रानी, जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा बनकर दिखाऊंगा और तुम्हें और दादू को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे राजा, जब हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। मीनू बेटा, हम लोग यहाँ कब तक इंतजार करते रहेंगे? बिंदु और जीवन की भी अभी तक कोई खबर नहीं आई है। आप सही कह रही है रानी अंबिका, हमें भी चल के उन्हें ढूंढना चाहिए। राजा बेटा, तू ठीक है ना बेटा? हम सब कितने परेशान थे बेटा। मैं ठीक हूँ माँ, माँ अगर आज मैं तेरे पास लौट पाया हूँ तो सिर्फ रानी की वजह से। आज अगर रानी नहीं होती तो तेरा राजा भी मिट गया होता। रानी, बेटा, तेरा कर्ज नहीं माँ, हमने जो किया अपने लिए किया, अपने पति के लिए किया। हम कभी भी राजा को कुछ नहीं होने देंगे। रानी, शुक्रिया तो तुझे फिर भी लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को माफ करके उसे एक और मौका दिया है। तू नहीं जानती इस माँ के दिल से कितनी दुआएं निकल रही है तेरे लिए। तुम राजा को नहीं रोक पाओगी। रोकोगी भी कैसे? बचपन से लेके जवानी तक राजा को अकेले छोड़ने की तुम्हारी आदत चुर रही है और हमारी उसे संभालने की। पत्नी तुम बनी पर तुम्हारे पति के साथ पत्नी का असली रिश्ता बनाया हमने। राजा को तो तुमसे दूर जाना ही था। जिस मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता वहां पुजारी नहीं रुका करते। और अब राजा हमारा है, हम तुम्हारी तरह उसे अकेला छोड़ने की बेवकूफी गलती से भी नहीं करेंगे। हम राजा से चाहे कितना भी दूर चले जाएं, तुम हमारी जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि प्यार पाया जाता है, चुराया नहीं जाता। बचपन में भी एक गलत फहमी की वजह से हमारे और राजा के बीच दूरियां पैदा हो गई थी, पर उन दूरियों की वजह से हमारा प्यार कम नहीं हुआ था। प्यार ने नफरत को तब भी हराया था और आज भी हरा देगा। और तब तो बचपन की दोस्ती की सिर्फ एक डोर थी, तुमसे वो नहीं टूटी तो शादी का गठबंधन कैसे टूटेगा? राजा और हमारी आत्माएं बंधी हुई हैं, हमें ना कोई अलग कर सकता था और ना ही कोई अलग कर सकेगा। और ये बात याद रखना,
राजा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जिंदगी में लेने के लिए तैयार हो? जो सपने टूट गए थे, क्या वापस उन्हें सजाने के लिए तैयार हो? क्या हमेशा के लिए सारी जिंदगी हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो? लेकिन रानी, इतना कुछ होने के बाद एक सैलाब आया था जो गुजर गया, और गुजरे हुए को क्या याद करना। हम तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बोलो राजा, क्या तुम भी हमारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो? अपनी बात मनवाने के लिए अपनी नस काट सकती है, वो अपने खोए हुए प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। राजा सिर्फ हमारा है। हमारे पति को रिझाने की, फंसाने की कोशिश की तो याद रखना, जो हाथ कलम उठा सकते हैं, वो चिमटा उठा के ये प्यार का भूत भी उतार सकते हैं।